सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति गीता मित्तल। कौन है? न्यायमूर्ति गीता मित्तल। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पहला पॉइंट है। यह चेंगडू चीन में आयोजित किया गया। दूसरा पॉइंट है, भारत ने 26 पदक जीते। तीसरा पॉइंट है, भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। तो देखिए, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कहना है कि इसमें से कौन से कथन सही है। या चेंगडू चीन में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही। भारत ने 26 पदक जीते, बिल्कुल सही। भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर था रहा, बिल्कुल सही। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? प्रोजेक्ट देविका, प्रोजेक्ट देविका, प्रोजेक्ट देविका। ये क्वेश्चन का सेट नंबर 8 है बच्चों। जो विद्यार्थी नए हैं, कृपया वो कॉमचेरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम यूपीएससी के लिए लगातार लेक्चर दे रहे हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन मेजबान शहर कौन? पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है?
गांधीनगर। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजिक एंड म्यूजियम एंड दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी बहुत सी है दिल्ली में, इसलिए विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा जाते हैं वहां पढ़ाई करने। का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया, क्या नाम बदल दिया गया है? कहा गया है उसको प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है, जो दिल्ली में है। इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया। उनके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ। उन्हें इन्हें 1991 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1991 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, उनसे संबंधित कुछ तथ्यों पर विचार करें। वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे और उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ था। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
ध्यान दीजिए बच्चों, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। एक दो एवं तीन सही। अब हम रिवीजन बुक निकालिए, हम एक रिवीजन कराते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। फटाफट कॉम्प एरिया करेंट अफेयर्स, हंड्रेड करेंट अफेयर्स सेट नंबर 8 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी लेक्चर्स। करेंट अफेयर्स के लेक्चर हम दे रहे हैं बच्चों। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले में 3 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष है न्यायमूर्ति गीता मित्तल। मणिपुर हिंसा मामले FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में है कि यह चेंगडू चीन में आयोजित किया गया। हाँ, भारत ने 26 पदक जीते, बिल्कुल सही। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा, बिल्कुल सही। कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? प्रोजेक्ट देविका। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? गांधीनगर। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। क्या कहा गया? प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, नया नाम है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नया नाम है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया अभी हाल में, वो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। हाँ, उनका जन्म शिक्षा बिहार में हुआ था, बिल्कुल सही। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75 स्थानीय पक्षी शीर्षक, क्या शीर्षक है? भारत के 75 स्थानीय पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट किसने? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75 स्थानीय पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। अब इसके संबंध में आपको बताना है तथ्य, इसके संबंध में तथ्यों पर चर्चा है। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF द्वारा प्रकाशित किया गया, प्रकाशित किया गया है। सेकंड, भारत 1353 पक्षी
प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में से 78 यानी कि 5% देश में स्थानिक है, देश में स्थानिक। तीसरा स्टेटमेंट है, पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की। ये WWF द्वारा प्रकाशित किया गया है, नहीं, क्योंकि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की रिपोर्ट है। किसकी? ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट नहीं है। और भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है, सही है। इन प्रजातियों में 78 पक्षी यानी कि 5% 78 पक्षी यानी 5% देश में स्थानिक है, बिल्कुल सही। पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, बिल्कुल सही। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 और 3। केवल 2 और 3 सत्य है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और उस पे प्रकाश डाला जा रहा है। कुछ तथ्य है तीन हमारे पास। पहला तथ्य है ये WWF द्वारा प्रकाशित किया गया है, बिल्कुल गलत है। भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है, हाँ। इन प्रजातियों में से 78 यानी 5% जो पूरे का ये देश में स्थानिक है, बिल्कुल सही। और पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई, बिल्कुल सही। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर आप समझ के हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। UPSC की तैयारी अभी चल रही होगी, आई होप। देखिए 37 क्वेश्चन बच्चों हमने कर लिया है, 50 क्वेश्चन है। बहुत ही जल्दी सेट एट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द आपकी एग्जामिनेशन टीचर्स के आने वाले हैं। जल्दी 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 आप लोग सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए और अच्छे से अपने एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करिए। आप सभी लोग को सफल भविष्य की कामना देता हूँ। आप सभी लोग सफल, यही काम के लिए आपका उद्देश्य है। अपने दोस्तों को, मित्रों को बताइए हमारे चैनल के बारे में और भारी मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।